मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। भाई लोग टॉस हुआ और हम फिर से टॉस हार गए, शाबाश। और पता चला कि विराट और ऋषभ पंत को इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक दिया गया है। अच्छा, विराट भाई को तो समझ भी आता है, बीवी ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। कोहली, ए कोहली, कोहली। पर ऋषभ पंत को ब्रेक की इतनी कौन सी जरूरत पड़ गई, कौन सा काम करने वाले है ये ब्रेक में? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। देखो भाई लोग, एक हाथ से छक्के मार मार के हमारा हाथ सूज गया था, तो हमारी उर्वशी बोलती हमें घर पे आ जाओ, मसाज करके दूंगी। वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ, पर यहाँ पे मैं पिघल गया। किस तरह के मसाज की बात कर रहे ऋषभ पंत भाई? हाथ के मसाज की बात कर रहा हूँ भोसड़ी के, मतलब इतने ठरकी लौंडे भरे पड़े हैं, कुछ भी बोलो कुछ भी समझ लेते। ये बात हमने रोहित भाई को बताई, उन्होंने चार गाली जरूर सुनाई पर हमें ब्रेक दे दिया। हम चले अपने उर्वशी के पास। मैच शुरू हुआ, जितना रोहित भाई हमारे दिमाग की माँ बहन कर सकते थे ना, उन्होंने कर दी। मतलब ऋतुराज ईशान को ओपनिंग करा दी, खुद चार नंबर पे आ गए और श्रेयस अय्यर को नंबर तीन पे भेज दिया। मतलब क्या कर रहे हो यार? यही नहीं, अभी और सुनिए। नेट प्रैक्टिस में ईशान किशन और ऋषभ पंत लेग स्पिन कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बुमराह विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे और केएल राहुल फास्ट बॉलिंग। पहले ही मेरे दिमाग की माँ बहन हो चुकी थी, फिर मैंने एम्पायर का नाम देख लिया, मेरे दिमाग का भोसड़ा हो गया। यहाँ पे हम लोग सीरीज जीतने की खुशी मना रहे थे और वहाँ पे किसी के आंसू निकल रहे थे। एमआई के ओनर्स भी सोच रहे होंगे, भाई हमने किस पे 15 करोड़ खर्च कर दिए, इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। और ईशान किशन की परफॉर्मेंस देख के ना उनके मुंह से एक ही चीज निकल रही होंगी, ये क्या है? ये तो टट्टी है को पैसा बर्बाद पहन चोर। मतलब यही है साला तुम्हारा T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, मतलब इससे ज्यादा तेज तो हम टेस्ट मैच में खेल लेते। अगर इसको ये करने के 15-20 करोड़ मिल सकते हैं तो अंबानी जी हमको भी 20-30 करोड़ मांगता है। ईशान भाई, माना श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज आने वाली है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है तुम T20 में टेस्ट के ऑडिशन दे दो। मतलब करना क्या चाहते हो तुम? जब से तुम्हें 15 करोड़ मिला है तुम अच्छे से बैटिंग नहीं कर पा रहे, मतलब हमारी जैसी बैटिंग कर रहे हो तुम तो। क्या करूँ ब्रो, अंबानी जी ने इतना पैसा दे दिया है हर रात को बैठते गिनने के लिए, पर गिनते गिनते सुबह हो जाती है और हाथ भी दर्द करने लगता है तो बैटिंग नहीं कर पाते। इतना पैसा आ गया है सोच रहे गरीबों में थोड़ा बांट दे, तो सोच रहे कि PSL ऑर्गेनाइज करवा दे, पाकिस्तान का थोड़ा कर्जा कम हो जाएगा और गरीबों का थोड़ा भला हो जाएगा। कैसा ऋतुराज बाबा, एक मैच मिला तुमको उसमें भी तुमने हक दिए। तुम अपना मुंह बंद करो बे, CSK ने तुम्हें 14 करोड़ में क्या खरीद लिया, तुम हमको हल्के में ले गए। ऑरेंज कैप जीते थे हम IPL में, सोचा था इंटरनेशनल क्रिकेट में गर्दा मचाएंगे, पर ये साला हमको टेल अंडर समझ लिए, खेलने नहीं देते हमको। एक मैच मिला बैटिंग करने के लिए, उसमें हमने टट्टी कर दिए, साला किस्मत ही ख़राब है हमारा। अय्यर और सूर्या भाई ने जो बैटिंग की है यार, मतलब क्या ही खेले हो, कते ही जहर। पता नहीं इनमें कौन सी ABD की आत्मा आ गई थी जो टांग बीच में रख रख के थर्ड मैन के ऊपर छक्के मारे यार, बिल्कुल रगड़ा लगा दिया, मतलब कते ही मार चोक दिए भैया जी आप तो। हमारे अय्यर साहब क्या ही मारा है, क्या ऑलराउंडर मिला है हमें। यहाँ पे अय्यर साहब वेस्ट इंडीज वालों की बूंद सुझा रहे थे, पर रोना किसी और को ही आ रहा था। अय्यर भाई को तो अच्छा खेलना ही था, ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है। अय्यर प्लेइंग इन कोलकाता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लोना। भाई निकोलस पूरन बंदा अलग ही लेवल पे बैटिंग कर रहा है, पता नहीं क्या खा के आया है भाई। पूरन तो पूरन पोली खा के आएगा यार, क्या बात करता है यार। अबे इतनी कॉमेडी मत करा कर रे देवा, मार देगा तेरे को। जब से SRH ने पूरन को ऑक्शन में क्या खरीदा है भाई, अलग ही लेवल पे खेल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है यार। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। भाई लोग, वेस्ट इंडीज ने किसी को खुश करा हो या ना करा हो, पर निकोलस पूरन ने SRH को बड़ा खुश किया है। SRH के फैंस की खुशी अलग ही लेवल पे है। इतनी खुशी आज तक यार। ये निकोलस पूरन कैसे छक्के मार रहा है यार। हाँ यार, क्या छक्के मार रहा है यार भाई, ऐसा खेलता रहेंगे इंडिया हार जाएगी यार। भाई क्या खेल रहा है यार, ऐसे ही खेलते रहना चाहिए इसे। क्या बोला तू? मैं कुछ नहीं बोला भाई, मैं कुछ नहीं बोला।
तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तब तक मिलता है आपको अगले वीडियो में।